मैसेज यही है बेसिकली, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैसेज है कि लाइफ में किसी के लिए फैमिली रिलेशन सेव करने के लिए, या बच्चों के लिए, या किसी और पेरेंट्स के लिए, या सिबलिंग्स के लिए, अ वुमेन कैन गो थ्रू हेल. लेकिन जब व्हेन शी डिसाइड्स दैट शी नीड्स द डिजायर्ड फ्रीडम विच शी शुड हैव गॉट लॉन्ग अगो एंड शी स्टिल डजंट हैव इट, वो शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट इट. और वही मैसेज है कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो विमेन कैसे भी करके औरत वो ले पा सकती है. तो यही मैसेज है. द स्टोरी एसेंशियली इज ऑफ वन वुमन कैरेक्टर एंड गौरी दी इज प्लेइंग द रोल ऑफ वैदेही. व्हेन वैदेही वाज यंग शी वाज फुल ऑफ लाइफ, शी वाज चर्पी, शी वाज वांटिंग टू टेक लाइफ एट फेस, enjoy everything. She was on the edge of everything, wanting to have adventure, wanting to know, very curious minded, looking for experiences in life, and very happy soul she was. And she circumstances aise bante hain ki wo inka vivah jo hai ek aise aadmi se ho jata hai jo bada sakht mizaj ka aadmi hai aur jo bahut रेजिमेंटेड है, आर्मी का अपना पुलिस का डीआईजी है. तो आप समझते हैं एक डीआईजी सीनियर ऑफिसर की वाइफ मिसिस कमांडेंट हो गई, पुलिस लाइन में रहते हैं, है ना. और इनका जब इश्क हुआ जवानी में तो वो एक ऐसे आदमी से हुआ जो बहुत ही बेहतरीन किस्म का फिलोसोफर, पोएट, पढ़ा लिखा, लेकिन अच्छे हाई माइंड, ग्रेट आइडियल्स, वेरी इंस्पायरिंग काइंड ऑफ थाट्स, वेरी इंकरेजिंग टू हर. And they would explore the world mentally together. वो एक अलग ही किस्म की रिलेशनशिप थी. और अब ये आके एक ऐसी अवस्था में आ गई जहाँ पर एक लाइक अ केज्ड प्रिजनर है. तो ये लेयर्स के लिए जो परफॉर्म करना था, योगेश जी ने प्रिटी मच शूटिंग से पहले ही हमें रेडी कर दिया था सबको. हम एक डेढ़ दो महीना पहले शूटिंग से वर्कशॉप्स करते थे, ऑनलाइन करते थे, फिर उसके बाद मिलने लगे और वर्कशॉप करते थे. तो तैयारी बहुत ज़ोरों से की थी, तो इसलिए जब शूट किया तो इतनी परेशानी नहीं हुई कैरेक्टर में घुसने में और परफॉर्म करने में. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जिसके लिए मैंने हाँ कहा मूवी के लिए. द स्टोरी, द कंटेंट वाज वेरी गुड. बहुत सिंपल सी स्टोरी है लेकिन बहुत यूनिक है. ऑफ कोर्स कनेक्ट करेगी. जिन्होंने भी आज तक अब तक ट्रेलर्स देखा है उनको सबको बहुत पसंद आया है और उनको और जानना है कि आगे क्या होता है. तो जब वो होता है मेरे ख्याल से तो मूवी ज़रूर कनेक्ट करेगी. जैसे कि मैंने पहले कहा, हम मिलते थे ऑनलाइन देन ऑफलाइन. तो वी हैड बिल्ट अ रैपो विद ईच अदर. तो ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मिल के एंग्जाइटी नहीं थी, शूट कर रहे हैं एक सब फैमिली के तरह, इंक्लूडिंग रोगेश जी एंड हिज फैमिली वाज आल्सो देयर. तो इट वाज लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली. वी यूज्ड टू शूट, ईट आवर मील्स टुगेदर, हैव फन टुगेदर, ट्रैवल टुगेदर. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. जी जी, बहुत अच्छा था. जाने से पहले पता नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, लेकिन जाने के बाद बहुत मज़ा आया. अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे एंड मैं तो हर रोज़ ऑलमोस्ट काम कर रही थी. तो इट वाज वेरी नाइस वर्किंग इन शिमला, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. हर एक को ऐसे काम करने का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. सेट पे लेट कौन आता था? हम लोग उधर ही रह रहे थे. मैं कभी एक आध बार, बिकॉज ऑफ माई, यू नो, आई थिंक माई एक्टर्स वेर ऑल एंड टेक्निकल टीम मेम्बर्स. हमारा 7 बजे सुबह मॉर्निंग में जो अगर सेट कॉल टाइम होता था तो एवरीबडी वॉज देयर ऑन टाइम. वी नेवर, हम लोग अपने जो 30 दिन के शेड्यूल में एक दिन सेव किए थे. तो दैट मीन्स गिव क्रेडिट टू द एंटायर टीम फॉर मास्टरफुल प्लानिंग. एंड जब आप वहीं रहते हो और वहीं शूटिंग करते हो तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, तो लेट होने का मौका ही नहीं मिलता, चांस ही नहीं. अगर कोई लेट भी हो रहा तो 3 बार उसका दरवाजा खटखटाया, जबरदस्त से खींच के ले आए उसको. मैसेज यही है बेसिकली, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैसेज है कि लाइफ में किसी के लिए फैमिली रिलेशन सेव करने के लिए, या बच्चों के लिए, या किसी और पेरेंट्स के लिए, या सिबलिंग्स के लिए, अ वुमेन कैन गो थ्रू हेल. लेकिन जब व्हेन शी डिसाइड्स दैट शी नीड्स द डिजायर्ड फ्रीडम विच शी शुड हैव गॉट लॉन्ग अगो एंड शी स्टिल डजंट हैव इट, वो शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट इट. और वही मैसेज है कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो
विमेन कैसे भी करके औरत वो ले पा सकती है. तो यही मैसेज है. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुली कम्स अक्रॉस थ्रू द फिल्म. सो प्लीज़ वॉच द फिल्म एंड इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स. द होल फैमिली कैन गो एंड वॉच इट इन द थिएटर एंड एन्जॉय द फिल्म. I think what Gauri has hit the nail, that this is a woman-centric. The spiritual pangs of the woman to meet with life fully, express herself fully, take in the pleasures and gifts of life, ये सबका अधिकार, मानव अधिकार है ना, कि जिंदगी की जो हसीन चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं या जो भी, उस पर उनका भी बराबर का हक है. मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि यार, हाउ हैव यू रिटन अ स्टोरी और अ मैन, हाउ हैव यू रिटन विद अ वुमन्स हार्ट, है ना. यू हैव टू नो द वुमन्स हार्ट टू राइट अ स्टोरी अबाउट अ वुमन्स हार्ट. तो समहाउ मैंने जो लिखा, इट क्लिक्ड. ऑल माय एक्टर्स एंड माय ऑल पीपल हु रेड, दे सेड दिस इज वेरी वेरी डेफिनेटली अ फेमिनाइन स्टोरी.